सो हे गाइस, आई एम प्रोमिनेंट। आप सभी का स्वागत है फ्री फायर गेमर जोन के कर नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा कमाल के वीडियो के साथ, और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं अपकमिंग न्यू कैरेक्टर का एबिलिटी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, ऑब्वियसली अच्छा लगने वाला है यार, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। लाइक इक्वल्स टू मोटिवेशन। और गाइस, आज का लाइक एम है यहाँ पे 70,000। गाइस कंप्लीट कर देना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बाजू वाला बेल नोटिफिकेशन ऑन करके उस कॉल पे सेट कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे आपके पास वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे एंड ये टोटली फ्री है। तो चलो गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों का जो फनी कॉस्ट्यूम गिवअवे था। गाइस आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम पे चल रहा था उसके विनर्स के बारे में। तो यहाँ पे गाइस सभी ने बहुत बहुत ज्यादा फनी यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिजाइन करके सेंड किए थे, मैंने देखा है। बट गाइस हाँ, हम लोगों को विनर चूज करना है, तो जो सबसे अच्छे लगे मैं उन्हीं में से किसी को दे रहा हूँ। बाकी मेहनत तो सबने बहुत अच्छा किया है और डिजाइन भी सबने बहुत अच्छा किया है। तो गाइस यहाँ पे तीन विनर्स है हमारे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। गाइस सबसे पहले यहाँ पे स्मृति राजन दास है, जिनका डिजाइन हुआ कॉस्ट्यूम आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे परमानिक 348, इनका भी यहाँ पे बहुत फनी कॉस्ट्यूम है। और इसके बाद देख सकते हो मिस दिया 42, इन तीनों के डिजाइन कॉस्ट्यूम मेरे को बहुत फनी लगे, बाकी सबके बहुत अच्छे थे। और इन तीनों से मैं बोलना चाहूंगा आपको, मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी से डीएम करके आपको गूगल रिडीम कोड देने वाला हूँ वीकली के लिए। और हाँ गाइस, इस टाइम के बीच में मैंने देखा है बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं मेरे ही नेम से, बहुत सारे स्कैमर्स मेरे ही नेम यूज करके आप लोगों से फेसबुक का आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ये बोल के कि आपके आईडी पर टॉपअप करने वाला। बट मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर इन फ्यूचर इसी तरीके से कभी भी मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी गिवअवे करता हूं, तो आपको मैं गूगल रिडीम कोड दूंगा, वो भी डीएम करके मेरे ही ओरिजिनल आईडी से। तो आप मेरा आईडी एक बार चेक कर लेना, उसके ऊपर क्लिक करके क्या नेम है और कितने फॉलोअर्स है। तो गाइस कभी भी फ्रॉड के चक्कर में मत करना, मैंने यहां पे देखा है बहुत सारे हो रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। तो गाइस, और हां एक चीज है आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो है सबसे पहला हम लोगों का कॉन्टेस्ट था। तो जो लोग यहाँ पे नहीं जीत पाए या फिर कुछ भी है, कोई टेंशन मत लो, तीन दिन के बाद आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट आने वाला है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, जिसके अंदर आप सभी लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, और बहुत ही मस्त है उसका भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो रेडी हो जाओ उसके लिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी के मेल बंडल को लेके। तो गाइस आप में से काफी सारे जन मेरे से पूछ रहे हो कि भाई जो मेल वाला बंडल है वो किस पे मिलेगा। तो गाइस देखो, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि जो फीमेल बंडल है वो तो आप लोगों को मिल चुका है इवेंट के अंदर फ्री स्पिन में, बट जो मेल बंडल है, जैसे वो मतलब मेल बंडल का डिमांड बहुत ज्यादा होता है, तो गाइस इसको शायद गरीना आप लोगों को देने वाला है फेडेड व्हील में, जो कि आप लोगों को लकी रॉयल के सेक्शन पे देखने के लिए मिल जाएगा। और वहां पे गाइस आप लोगों को फेडेड व्हील कैसे कंप्लीट करना पता ही होता है यार, स्टार्ट होता है 9 डायमंड से, बट किस्मत वालों को ही मिलता है 9 डायमंड पे, बाकी तो सबको 799 डायमंड पे जाके मिलता है। तो वहीं पे गाइस आप लोगों को ये बंडल देखने के लिए मिल सकता है, और ये शायद आप लोगों को एनिवर्सरी के एकदम जो मेन टाइम है, मतलब यहाँ पे 22 है ना, उसके आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, 21 तारीख या फिर 22 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस क्या आप इसको लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो, जरूर कमेंट करके बताना। और बाकी अगर किसी और पे देखने के लिए मिले तो मिल भी सकता है, बट ज्यादा चांस है फेडरल वेल में। तो गाइस हम लोगों के न्यू कैरेक्टर के ऊपर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाला अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, जो कि है गाइस बुइया से रिलेटेड। तो गाइस बुइया पे गेमर जोन ने कंप्लीट कर लिया 1 मिलियन फॉलोअर्स, जिसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस इसको हम लोग सेलिब्रेट करने वाले, कैसे सेलिब्रेट करने वाले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। गाइस 20 तारीख आने वाले 20 तारीख जो कि आप लोगों को पता है यार 2 दिन बाद है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सोलो कस्टम रूम, एक नहीं दो नहीं, बैक टू बैक 10 सोलो कस्टम रूम, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 10 सोलो कस्टम रूम होने वाले आप लोगों के लिए। और उस पे गाइस आप लोगों को खेलने के लिए मिल जाएंगे, और जो भी जीतेगा गाइस, मतलब 10 विनर्स होंगे हम लोगों के 10 कस्टम रूम के, उनको मिलेगा विगल वॉक वाला इमोट। जी हाँ गाइस, कौन सा इमोट है, विगल वॉक वाला इमोट। तो गाइस 20 तारीख आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वाला अपॉर्चुनिटी है, बैक टू बैक 10 कस्टम रूम सबके लिए होने वाले। तो गाइस सब लोग बुइया पे आ जाओ, डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर आप लोगों को बुइया का लिंक मिल जाएगा, बस उसके ऊपर क्लिक करके बुइया खोल लेना है और गेमर जोन सर्च करके फॉलो कर देना है। और गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखना, क्योंकि मैं लाइव आने से पहले हर रोज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कब लाइव आ रहा हूं। और 20 तारीख को आप लोगों के लिए ये गिवअवे होने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा गिवअवे और आज तक का शायद सबसे बड़ा यहां पे कस्टम रूम जो होने वाला है आप लोगों के लिए, वो 20 तारीख को होने।
वाला है। तो गाइस सब लोगों को ऑल द बेस्ट और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना ताकि सबको इसके बारे में पता चले। तो जो फाइनली गाइस चलो बात करते हैं फिलहाल हम लोगों के न्यू कैरेक्टर को लेकर। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले गरेना ने एक टीजर रिलीज किया था और उसको मैंने आप लोगों को दिखा भी था और बोला था लास्ट वीडियो ही है गाइस जिसको उन्होंने बोला था आप लोगों को क्या न्यू कैरेक्टर हम लोग गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि टीजर के अंदर एक न्यू कैरेक्टर दिख रहा था। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बता दूं एक न्यू कैरेक्टर के बारे में पता चल चुका है जिसका नेम होने वाला है जय। तो गाइस ये था वो क्लिप जो मैंने आप लोगों को उसी टीजर के अंदर से दिखाया था और भाई मैं सही था या फिर बोल सकता हूँ आप लोग भी सही थे। गरेना ने इसी का हिंट दिया था और इसका इंस्टाग्राम पे गरेना ने खुद पोस्ट भी किया है कि फाइंड द सरप्राइज। तो गाइस सबसे पहले आप लोग फिलहाल देखने वाले हो जय का स्टाइल। जी हाँ गाइस जैसे बाबू राव का स्टाइल स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल ये बाबूराव का स्टाइल है। यहाँ पे जो है जय का स्टाइल मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देख लिया ये बुड्ढा जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने ऐसा कुछ हरकत कर रहा है जो कि आप लोग देख सकते हो हाथ में इसके एक डंडा दिख रहा है जिससे कि ये कुछ एनिमेशन टाइप का बना रहा है। मतलब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो ये जय का स्टाइल है। तो गाइस ये जो जय होने वाला है ये तो आप लोगों को बहुत जल्द गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर ही यही होने वाला है। तो अब गाइस बात करते हैं इसके स्किल के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोफेशन के बारे में। तो गाइस जय जो है एक स्वैट एजेंट है। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। स्पेशल वेपन एंड टैक्टिस, मतलब इसका जो स्किल है गाइस वो वेपन से रिलेटेड है एंड टैक्टिस से रिलेटेड, मतलब दोनों मिला के इसका स्किल होने वाला है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को बता दूं गेम के अंदर ऑलरेडी 3 एजेंट कैरेक्टर्स है, लाइक यहाँ पे मोको हो गया, उसके बाद रैफेल हो गया, उसके साथ साथ क्लू हो गया। तो ये जो है चौथा एजेंट कैरेक्टर होने वाला है बट ये बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो गाइज आप बात करती है बुड्ढा क्या काम करने वाला है। क्यों बुड्ढा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो टीजर के अंदर पिक्चर दिखा था वो बुड्ढे टाइप का ही था इसलिए मैं बुड्ढा बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो गाइज इसका जो यहाँ पे स्किल है वो कुछ इस तरीके का है कि जब ये किसी एनिमी के साथ फाइट में एंगेज होगा और इसके गन का जो मैगजीन है वो जीरो हो जाएगा, चाहे वो कोई भी गन हो, यहाँ पे देख सकते हो एआरएम हो, शॉर्ट गन, एसएमजी, पिस्टल, स्नाइपर, कोई भी गन हो, उसका जब मैगजीन जीरो हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली उसको रिफिल कर देगा। अब गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ है जो आप लोगों को समझाना पड़ेगा, जो कि गाइज रिलोड और रिफिल दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिलोड क्या होता है गाइज, जब आपके गन में मैगजीन खत्म हो जाता है तब आप उसको रिलोड करते हो, मतलब आपका गन के अंदर एनिमेशन होता है रिलोड का, वो तो आपको पता ही होगा। बट गाइज रिफिल चीज़ क्या होता है जो कि गेम के अंदर नहीं है, मतलब आपका गन ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब गन रिलोड का जो एनिमेशन होता है और जो टाइम लगता है वो नहीं लगेगा, जितना यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब गाइस देखो ये जो पूरा का पूरा चीज़ है ये कंफर्म तो नहीं है क्योंकि अभी तो अपडेट सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिला है, जब मिल जाएगा तब पूरा डिटेल्स हम लोगों को पता चल जाएगा। और यही पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा इस कैरेक्टर का लेवल अप होगा उतनी जल्दी ये अपने गन को रिफिल कर लेगा। तो गाइस अगर ये चीज़ सही हुआ, अगर यही इसका एबिलिटी हुआ इन फ्यूचर, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा डेडली कैरेक्टर बन जाएगा। क्योंकि सोच के देखो एक बार, रिलोड करने में आपको टाइम लगता है और फिल करने में, मतलब रिफिल करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक होता है गाइस आप उसको मैनुअली कर रहे हो और एक होता है कि आपको करके दिया जा रहा है एकदम फुल, मतलब आपने यहाँ पे 6 शॉटगन की गोली खत्म कर दी, उसके बाद देखा यहाँ पे आपको रिलोड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके मैगजीन वहाँ पे फुल्ली है। तो इस टाइप का चीज़ है रिफिल जो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब गाइज यहाँ पे जो चीज़ है ये 100% कन्फर्म नहीं है। मैं आप लोगों को और भी एक इजी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कार 98 की बात आप लोगों को पता है यार, जब रिलोड आता है आपको बहुत टाइम लेना पड़ता है, बट अगर रिफिल हो गया तो आपको दिखेगा कि आपका कार 98 का मैगजीन खाली हुआ, तुरंत फुल हो गया, मतलब एक सेकेंड भी नहीं लगेगा इतना कम टाइम के अंदर। अब इस कैरेक्टर का लेवल अप होते वो स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज आपका कैरेक्टर का जितना ज्यादा लेवल होगा उतना ज्यादा ही ये मैगजीन आपका फील करके देगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। जो भी होगा गाइस आप लोगों को इन फ्यूचर में वीडियोस के अंदर अपडेट कर दूंगा। अब गाइस बात करते हैं आज रात 12 बजे के टॉपअप इवेंट के बारे में। तो गाइस आज रात 12 बजे आप लोगों को जो न्यू टॉपअप देखने के लिए मिलेगा होगा एनिवर्सरी स्पेशल, जिसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आपका न्यू पेट जो कि आपको मिलने वाला है 100 डायमंड के बदले में। उसके बाद गाइस सरबोट आपको मिलने वाला है 500 डायमंड के बदले में और बाइक का स्किन आप लोगों को मिलने वाला है 1000 डायमंड के बदले में। तो यहाँ पे आप लोग उसका पिक्चर देख सकते हो जो कि आज रात आपको 12 बजे
देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सबको पता चले कि न्यू कैरेक्टर जय आने वाला है और उसका एबिलिटी फिलहाल क्या होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर एक लाइक करके जाना। एंड गाइस उसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है promit_yt। और हां गाइस 20 तारीख जो बुया पे हम लोग 1 मिलियन सेलिब्रेट करने के लिए 10 कस्टम रूम बनाने वाले हैं उसके अंदर जरूर आप पार्टिसिपेट करना। तो गाइस टाइमिंग याद रखना, दोपहर को 2:30 PM से हम लोग लाइव स्टार्ट करते हैं बुया पे। सब लोग गाइस बुया पे जाके फॉलो कर देना, लिंक आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मिलता हूं आपसे एक और फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।